आज बच्चों हम पाठ 10 वाक का तीसरा व चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरे काव्यांश में कवयित्री ने हमें बताया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। यहाँ पे सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ राह का अर्थ है रास्ता। सुषुम जो है वो हमारे शरीर में एक सुषुम्ना नामक नाड़ी है, उसको कहा गया है। टटोली का अर्थ है खोजी। कौड़ी ना पाई यानी कुछ भी ना पाया। मांझी का अर्थ है नाविक और उतराई का अर्थ है पार उतारने का किराया। यहाँ पे कवयित्री ये कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी गई न सीधी राह का अर्थ कवयित्री ने कहा है कि मैं यहाँ पर अच्छे कर्म करने के बजाय छल कपटता पूर्ण कार्य मैंने किया। फिर वो कहती है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। वो कहती है, सारी उम्र मैंने प्रभु की प्राप्ति के लिए हठ योग का सहारा लिया, यानी उसने योग का सहारा लिया कि वो योग करके प्रभु को प्राप्त कर सकेगी, मगर आज दिन बीतता गया और प्रभु की प्राप्ति का ये उपाय व्यर्थ ही चला गया। फिर कहती है वो, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपनी जेब में खोजा तो कुछ भी ना पाया। जेब में खोजा का अर्थ है बच्चों कि सारी उम्र उसने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिससे भी जिसके सहारे वो प्रभु को प्राप्त कर सके, लेकिन उसको कोई भी ऐसा कर्म नहीं दिखा जो इतना अच्छा हो जिससे वो प्रभु की प्राप्ति कर सके। मांझी कोदू क्या उतराई। अब उसे यह चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी हमें इस सांसारिक मोह माया, यानी भव सागर से जो पार उतारने वाले प्रभु हैं, मांझी हैं, उनको उतराई के रूप में पार उतारने का किराया वो क्या देगी। वो सिर्फ प्रभु को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म चाहिए होते हैं। तो बच्चों यही हमारी कवयित्री ने संदेश दिया है कि जीवन भर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि अंत समय में हम ईश्वर को वही कर्म भेंट स्वरूप दे सकें। चौथा हमारा काव्यांश है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर थल का अर्थ है जमीन यानी स्थान, शिव तो प्रभु हैं ही और साहिब जो है उसने कवयित्री ने ईश्वर को कहा है। यहाँ पे वह कहती है कि ईश्वर की हर जगह उपस्थिति, कवयित्री बताते हुए कहती है कि हर स्थान पर शिव का वास है, यानी ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद त्याग दे और उसे अपना ले। फिर कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। वो कहती है, ईश्वर को जानने से पहले हे मनुष्य तो खुद को तो पहचान, तू खुद को तो जान, अपना आत्म ज्ञान कर। फिर कहती है, वही है साहिब से पहचान, यानी अगर तुम्हें आत्म ज्ञान हो गया तो इसी से प्रभु की पहचान आसानी से हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करते हैं। ईश्वर का निवास हर मनुष्य के अंदर है, हर जीव के अंदर है। यही आत्मज्ञान करने की हमें आवश्यकता है।